हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू बेटा। सैटरडे को मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट सेंड की थी, तो होपफुली आप लोगों ने उसको ट्राई कर लिया होगा। कुछ बच्चों के डाउट आए थे, उनको देखते हैं आज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, जो आपका पहला डाउट है उसको देखिए। कह रहा है कि एक फोर्स है F1, वो एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल को फ्रॉम रेस्ट टू V। अनदर फोर्स F2 डी एक्सेलरेट द सेम पार्टिकल फ्रॉम V टू रेस्ट। देखिए, एक पार्टिकल है, लेट इसका मास M है, और इसके ऊपर फोर्स लगा F1। इनिशियली ये रेस्ट पर था, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, V हो गई है, ठीक है। अब एक फोर्स इस तरफ लग रहा है F2, वो इसको क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, सच डैट वो इसकी वेलोसिटी V को वापस कितना कर देगा, जीरो कर देगा। अब आपसे पूछा है कि इनमें रिलेशन बताइए कि F1 बड़ा है F2 से, या F2 बड़ा है F1 से, या F2 इज इक्वल टू F1 है। मतलब F1 और F2 में रिलेशन आपको बताना है कि कौन बड़ा है, कि कौन और कौन छोटा है। देखो बेटा, इसने टाइम के रिगार्डिंग यहाँ कोई बात नहीं कही है। एक जनरल सेंस से सोचो आप कि भाई मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगे, क्लियर है कि नहीं बात आपको, और किसी समय में इसकी वेलोसिटी लेट कितनी हो आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड हो। मास मान लो इसका कितना है, 2 kg है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी मैंने, F1 को 10 मान लिया, मास को 2 kg मान लिया, और फाइनल वेलोसिटी को कितना मान लिया, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से देखो आप, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। 2 मास है और 10 फोर्स है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा आपका, 5 m/s², क्लियर है। अब इक्वेशन लगाओ, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 है, इनिशियल को 0 पुट कर दो, ठीक है। ए कितना है, 5 है, और टाइम कितना है, 2। मतलब 2 सेकंड के बाद ये कितनी वेलोसिटी ले लेगी, 10 m/s। मैंने एक जनरल डाटा लिया कि फोर्स को 10 न्यूटन मान लिया, इसको 2 मान लिया, और इसको भी 10 मान लिया, और इसके ऊपर टाइम कितना निकल कर आया, 2 सेकंड निकल कर आया। अब देखो, F2 के बारे में पता करना आपको, भाई F2 10 से बड़ा है कि छोटा है, यही तो पता करना है, या 10 ही है। अगर आप देखो, अगर आप कहोगे कि इसको, इस फोर्स को भी अगर सेम टाइम लगे, क्योंकि टाइम की बात उसने की नहीं है यहाँ पर कि टाइम सेम लगाए कि अलग अलग लगाए, अगर टाइम सेम लगेगा इसको 10 से 0 लाने में, तो ये भी पक्का किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात आपको, ठीक है। अगर मान लो टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, मान लो इसको यहाँ से यहाँ आने में, वापस आने में लेट T = 4 लगा, तो निश्चित तौर से ये फोर्स छोटा है। भाई देखो, किसी भी चीज़ का आप अपोज करोगे तो एक समय के बाद उसको रोक देगा, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि कितने समय में रोका, ये बात मुद्दा है। समझ आई बात आपको, अगर 2 सेकंड में रोक देगा तो फोर्स सेम है, अगर 4 में रोक रहा है तो फोर्स कम है 10 से, अगर ये जल्दी रोक रहा है लेट T = 1 में रोक रहा है, तो फिर क्या है, फोर्स 10 से ज़्यादा है। एक एग्जांपल से समझिए आप, मान लो T = 4 में रोक रहा है, अभी आपको पता लग गया है, तो देखो जरा, V = U + AT। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 जब रोकेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 10, ठीक है कि नहीं बात आपको। एक्सेलेरेशन निकालना है मुझे, और माइनस आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है, इनटू टी, ठीक है। टी कितना है आपका, वो दे रखा है 4 सेकेंड, ठीक है। तो 10 = A × 4, और ये आ जाएगा 10/4, डेट कम्स आउट टू बी 2.5। एक्सेलेरेशन 2.5, तो फोर्स कितना आ गया आपका, 2 × 2.5, डेट्स कम्स आउट टू बी कितना, 5 न्यूटन। अगर 5 न्यूटन लगेगा तो कितने समय में रोकेगा, 4 सेकेंड में रोकेगा। देख सकते हो आप, नॉर्मल बात भी है, 10 वाला 2 सेकंड में इसको इतना कर रहा है, तो ये वाला 4 सेकंड में अगर रोक रहा है तो पक्का फोर्स कितना लग रहा होगा, आधा लग रहा होगा। टाइम बढ़ा तो फोर्स घटा। आप देख सकते हो F = MV - U/T। फोर्स और टाइम एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 1 सेकंड में रोक रहा है तो पक्का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 20 न्यूटन होगा। कैसे, देख लो, टाइम कितना लोगे, 1 लोगे आप, क्लियर है कि नहीं बात आपको। ये 1 और एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, अल्टीमेटली 10 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा तो आप देख सकते हो 10 × 2 कितना आया बेटा, 20 न्यूटन आया, क्लियर है। तो नटशेल में बात क्या कर लिखनी है आपको, अगर टाइम बराबर है तो फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है कि नहीं बात आपको। T1 में मान रहा हूँ ये वाला टाइम एक्सेलरेट जो किया था जिसने, ठीक है। अगर T1 ग्रेटर है किससे, T2 से, तो पक्का F1 कम होगा किससे, F2 से, ठीक है कि नहीं बात। ये वाली कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई, और T1 is less than T2 है, तो F1 is greater than कितना होगा, F2 से।
तो फोर्स बराबर भी हो सकते हैं और कोई भी बड़ा और छोटा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइम किसने लगा। एक जनरल सेंस सोचो कि भाई इसको एक्सेलरेट किया मैंने, अब इसके अगर अपोजिशन लगाऊंगा तो एक समय के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है कि नहीं बात आपको। लेकिन वो टाइम कितना लेगा वो इस फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसको समझ लिया होगा आपने, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल इज प्लेस्ड एट रेस्ट इनसाइड ए होलो हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। हेमिस्फीयर बना लेते हैं पहले, होलो हेमिस्फीयर, क्लियर है। एक पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, लेट यहाँ पर है, क्लियर है बात आपको, रेस्ट पर कहीं पर भी हो सकता है। और हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, आर है, ये दूरी भी आर होगी और ये दूरी भी कितनी होगी, आर होगी, ठीक है। क्योंकि स्फीयर में बेटा जो दूरी होती है सेंटर से वो होती है बराबर, डेट विल बी इक्वल टू रेडियस, ठीक है। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द हेमिस्फीयर, यहाँ पर जो म्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है, ठीक है कि नहीं बात। तो बताइए कि कितनी हाइट पर ये पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी रहेगा, मतलब आपको ये हाइट बतानी है, मैंने जनरल ये माना तो आपको ये हाइट बतानी है कि कितनी हाइट पर ये पार्टिकल स्टेशनरी रह सकता है, क्लियर है बात आपको। चलिए ये एच बताएंगे हम, अभी देखते हैं जरा। देखिए अगर मैं एक यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन को ज्यूम करूँ, सोचो जरा एक इंक्लाइन प्लेन पर ज्यूम करूँ और ये रेस्ट पर है ना, तो ये एंगल पक्का क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा। मैक्सिमम हाइट अप टू विच इट विल रिमेन एट द रेस्ट, देखो अगर ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर गया, देखो अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा सा और ऊपर उठा दूँ तो ये पार्टिकल लेट यहाँ पर आ जाएगा और ये पार्टिकल फिर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो दिस मस्ट बी व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज, सोचिए जरा इस बात को भाई। अगर ये रेस्ट पर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, और वो मैक्सिमम हाइट है, इसके बाद वो जस्ट चलना स्टार्ट कर दे तो पक्का ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा, ठीक है, दिस विल बी अल्फा, ओके। और आपको पता है कि टेंजेंट अल्फा मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है, और म्यू कितना दे रखा है, 1/√3, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, टेंजेंट की किस एंगल पर वैल्यू 1/√3 आती है, तो अल्फा कितना आ गया आपका, 30 आ गया बेटा, तो ये एंगल कितना आ गया, 30 आ गया, क्लियर है बात आपको। अब इस पर्टिकुलर प्लेन से, इस पार्टिकल से हो तो एक नॉर्मल खींचिए जो इस ओ से गुजरे, सेंटर से गुजरे, क्लियर है बात आपको। चलिए मतलब ये एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया, क्लियर आ रही कि नहीं आ रही समझ आपको बात, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ जरा ध्यान से, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींचूँ यहाँ पर, तो ये 30 तो ये भी 30 होगा, है ना, ये जेड वाला एंगल बन गया यार आके ना, अगर ये 30 तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। ये 30, ये टोटल कितने का था, ये 90 का था, तो ये 30 तो ये कितने का, 60 का, और फुल क्लियर हो रही होगी बात आपको। ये एंगल आपको दिख रहा है 90 का, तो ये एंगल कितने का, 30 का, तो नई फिगर ये बनेगी आपकी, देखो जरा ध्यान से। ये एंगल कितने का आया, 30 का आया, ये R और ये टोटल भी क्या है, R, और अपने को निकालना क्या है, ये H निकालना है, क्लियर है बात आपको। ये टोटल कितनी है, R है, और अगर मैं देखूँ ध्यान से ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये विल भी क्या होगा, R cos 30, आके ना, दिस विल बी R cos 30, मैं अगर इसके वेक्टर रिजोल्व करूँ तो दिस विल बी R sin 30, जिसके साथ एंगल होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कोस कंपोनेंट। ये टोटल हाइट आर थी, और अगर उसमें से अगर आर कोस थीटा घटा दूं तो क्या एच बचेगा कि नहीं बचेगा, तो एच कितना आ गया मेरे पास, आर माइनस आर कोस 30, ठीक है। आर की कुछ वैल्यू दी थी क्या उन्होंने, नहीं, आर में ही आंसर निकालना अपने को, तो आर को कॉमन आउट ले लो आप, तो 1 - cos 30, और कोस 30 कितना होता है बेटा जी, कितना होता है, 1 देखो कितना होता है, cos 30 ये होता है आपका 3/4 √3/4, डेट विल बी इक्वल टू 3/√2, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो ये आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू आर 1 - √3/2, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर
11 एक कुछ इस तरीके से सिस्टम दे रखा आपको, एक ब्लॉक यहाँ पर है और इसको आपने रोप के थ्रू एक दूसरे ब्लॉक से अटैच किया हुआ है। ये है 15 केजी का और ये वाला कितने का है, 5 का। और ये इधर भी एक रोप से ही दूसरा ब्लॉक कनेक्ट है एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये टेबल है मान लो, ये है 5 केजी। ठीक है बेटा, अभी क्या बोल रहा है कि इस टेबल और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.2 का है। ठीक है भाई, आपको रेशियो ऑफ टेंशन बताना है। ठीक है, देखो दिस विल बी, इधर दे रखी है T1 और इधर दे रखी है क्या, T2। ठीक है, इनका रेशियो बताना है आपको। क्लियर है कि नहीं बात आपको, रेशियो ऑफ टेंशन टू दी राइट, राइट मतलब T1 बाय और टू दी लेफ्ट इज इक्वल टू दिस, T1 बाय T2 बताना आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चीज़ को। अब आप सोचो ज़रा, देखो एक रोप एक टेंशन, तो यहाँ भी कितनी होगी T2 और यहाँ पर भी कितनी होगी T1। देखो T1, देखो ये रोप अलग है तो इसलिए अलग टेंशन मानी और ये रोप अलग है तो अलग टेंशन मानी। क्लियर है बात आपको। ठीक है, अब आप सोचो ज़रा, ये वाली जो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगाएगी, 150 न्यूटन लगाएगी, मास इनटू जी। ठीक है, और ये वाला कितना लगाएगा, मैक्सिमम 50 न्यूटन, 5 इंटू जी। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो अल्टीमेटली जो सिस्टम है ना, नेट इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे लेके आएगा इसको, ये फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स कम है, तो ये ऊपर उठेगा और कुछ इस तरीके से आपका एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम है वो क्या करेगा, मूव करेगा। इसमें कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, चलिए कोई समस्या नहीं है। इसका एक्सेलेरेशन ए मान लिया। अच्छा, जितना ये चलेगा उतना ही ये चलेगा और जितना ये चलेगा उतना ही ये चलेगा, कंस्ट्रेंड मोशन है ये। तो अगर उसका एक्सेलेरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलेरेशन कितना होगा, ए होगा। इसमें कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है? ठीक है कि नहीं बात आपको। अब क्या बेटा, कर लो सॉल्व इसको, इसमें तो कोई टेंशन नहीं लग रही मेरे को। इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ आप, 150 - T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। नेट फोर्स कितना है, 150 - T2 और डिवाइडेड बाय मास इनटू इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, 15 इंटू ए। ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन और इसमें देखो T1 - 50 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पर क्या आ गया है, 3 वेरिएबल हो गए हैं, है ना। चलिए, तो फिर इस तीसरे वाले का भी फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ये नेट किधर जाएगी, ए एक्सेलेरेशन से इधर जाएगी। अब इधर जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ आएगा, आंखें ना, क्लियर है बात आपको। और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा क्योंकि बॉडी मोशन में है, तो वो क्या होता है, म्यू इंटू आर, और म्यू की वैल्यू ये दे रखी है। देखो ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्या लेना पड़ेगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है और इसके बारे में कोई स्पेसिफिकली बोला नहीं है, स्टैटिक है कि काइनेटिक, तो आप म्यू को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या बनाएंगे आप, T2 - T1 - μ × r। देखो इधर की तरफ फोर्स सिर्फ T2 है और इधर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, T1 और म्यू आर, तो नेट फोर्स कितना है, T2 - these 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू ए। आर किसके बराबर होगा बेटा, आर आपका किसके बराबर होगा, इस एम जी के बराबर होगा, डेट विल बी इक्वल टू 50 के बराबर होगा। क्लियर है बात आपको, और 50 इंटू √2 50 इंटू 0.2। क्लियर है बात आपको, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है, तो आप इसको 10 पुट कर दें। ठीक है, तो 3 इक्वेशन हैं, 3 अननोन हैं, तो होपफुली अब आप सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्या करो आप, T2 को यहाँ से निकाल लो A की टर्म में, और इसी तरीके से T1 को निकाल लो A की टर्म में, दोनों को यहाँ पुट करो और फिर A निकाल लो। समझ आई बात आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ से T2 को निकाल लो और यहाँ से T1 को निकाल लो A की टर्म्स में, और दोनों को पुट करो और यहाँ से A निकाल लो। चलिए निकाल लेता हूँ मैं, 150 - 15 a विल बी इक्वल टू T2, यस और नो, और T1 कितना आ गया, 5 a + 50। पुट कर देते हैं बेटा, कौन सी बड़ी बात है, 150 - 15 a - 5 a + 50 - 10 = 5 a। समझ आई बात, है ना, खोलो इसको, 150 - 15 a - 5 a - 50 - 10 = 5 a। देखो कुछ जुगाड़ कट रहा है क्या, 150 में से 50 गया 100 और 10 गया 90 और ये कितना हो गया, -20 a, और इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, +20 a, तो 25 a।
क्लियर है। ए कितना आ जाएगा 90/25। अब ए को इसमें पुट करो और वहाँ से क्या निकाल लो, T2 निकाल लो, इसमें पुट करो वहाँ से क्या निकाल लो, T1 निकाल लो, और फिर दोनों का रेशियो निकाल लो। क्लियर है बात आपको, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है? आप बताइए आपसे हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को इसको बताना आपको, इसको सोल्व करना आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है और वो रेस्ट पर रखा गया है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक ब्लॉक है और इसका मास m है और इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन याद करो क्या होता था, फाई, टेंजेंट फाई, ठीक है? लेट दिस विल बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू स्टेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है कि नहीं बात? अब वो क्या कह रहा है कि इसको एक फोर्स F से खींचा गया है और वो फोर्स जो लगा है वो एंगल थीटा बना रहा है इस ब्लॉक के साथ। क्लियर है बात? तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स बतानी है टू मूव द ब्लॉक, ठीक है? इस ब्लॉक को मूव करना आपको और इस F की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा। ये मास M है, वेट नीचे लगेगा और जो अर्थ है वो क्या देगी, एक नॉर्मल रिएक्शन देगी, ठीक है? इस फोर्स को आप क्या करें, इसके रिजोल्व कर ले, कंपोनेंट ले ले। अगर ये थीटा है तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, कोस कंपोनेंट, एंड दिस विल बी योर साइन कंपोनेंट। क्लियर है बात? अगर आप बॉडी इस तरफ मूव करेगी तो अल्टीमेटली फ्रिक्शन कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर है? और दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मिनिमम फोर्स बताना है जिसके ऊपर बॉडी क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए, मिनिमम फोर्स बताना है, ठीक है? वेरी गुड। अगर ये फोर्स मिनिमम होगा आपको पता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। भाई इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन को काटेगा तभी तो ये क्या होगा, फोर्स मूव करेगा। क्लियर है बात आपको? तो यहाँ से पहले तो मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ। आर प्लस एफ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बेटा जी, एम जी। क्लियर है बात? एंड एफ कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। समझ आई बात आपको, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को कैसे निकालोगे आप? आपको पता है कि म्यू किसके बराबर होता है, टेंजेंट फाई के बराबर होता है, हाँ के ना? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? तो इस पर्टिकुलर म्यू को तो मैं टेंजेंट फाई लिख सकता हूँ और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू आर होता है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? आर यहाँ से निकाल लूँगा और यहाँ पुट करूँगा, क्लियर है? और म्यू को किसके बराबर रख दूँगा, टेंजेंट फाई के बराबर रख दूँगा, ठीक है? एफ कॉस थीटा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा होगा इसमें, टेंजेंट फाई, और आर यहाँ से कितना निकल कर आएगा, देखो एम जी माइनस एफ साइन थीटा, है ना? समझ आई कि नहीं आई बेटा बात? क्लियर हो रही है? तो आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। चलिए सोल्व करते हैं। टेंजेंट फाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है? तो इसको रिप्लेस कर लेता हूँ मैं, तो इसको मैं लिख लेता हूँ साइन फाई बाय कोस फाई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ तक नोट करो आप इसको, क्लियर है? आगे मूव करें। चलिए तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू साइन फाई प्लस कोस फाई, साइन फाई बाय कोस फाई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर है बात आपको? अब क्या करें, देखो एफ को निकालना अपने को, एफ को एक तरफ कर लेंगे, पहले एफ कोस थीटा गुना कर लेते हैं यार, एम जी साइन फाई बाय कोस फाई माइनस एफ साइन थीटा साइन फाई बाय कोस फाई, और इसको उधर ले जाओ आप, एफ कोस थीटा माइनस का प्लस हो जाएगा उधर आकर, एफ साइन थीटा इंटू साइन फाई बाय कोस फाई, और इधर की तरफ क्या बचेगा बेटा, एम जी साइन फाई बाय कोस फाई। क्लियर है? कोस फाई को भी उधर ले जाओ आप, मतलब इस वाली टर्म को नीचे से इनके साथ क्या कर दो आप, गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा, एफ कॉमन ले लो, कोस थीटा इंटू कोस फाई,
क्लियर है बात आपको। और यहाँ पर जब कोस फाइव आएगा तो कोस फाइव से कोस फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू साइन फाइव। क्लियर है बात। और इधर की तरफ क्या बचा है, एम जी साइन फाइव। ये किसका फॉर्मूला यार, किसका फॉर्मूला याद आ रहा है, कोस ए माइनस बी का, ठीक है, एफ कोस थीटा माइनस फाइव। ये आपको बता रखा ट्रिग्नोमेट्री में, इसको देखेंगे आप, इज इक्वल टू एम जी साइन फाई, और एफ कितना आ गया आपके पास, एम जी साइन फाई बाय कोस थीटा माइनस फाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल जो इक्वेशन है उन्हीं के साथ मैंने मूव किया है और आंसर को निकाल लिया है। कोई डाउट आपको, चलिए नोट करें और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपको करना क्या है, आपको जस्ट इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना तब समझ में आएगा। एक लैडर है और वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है, दिस विल बी द लैडर। क्लियर है बात आपको, एंड दिस विल बी ए बी एंड दिस विल बी ओ, और वो बोल रहा है कि ये स्मूथ वॉल है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा, स्मूथ वॉल का मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। और यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड और लैडर के बीच में, यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, इस म्यू को निकालो इफ़ द लैडर इज नॉट टू स्लिप, नॉट टू स्लिप, ठीक है, वो मिनिमम वैल्यू निकालो जिसके ऊपर लैडर स्लिप ना करे। क्लियर है बात आपको, चलिए देखते हैं। पहले तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, इसका फ्री बोर्ड डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं, ये लैडर है। अभी रियलिटी क्या होगी, अगर ये स्मूथ है तो ऐसे 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 क्या करेगी, ये पोर्शन नीचे आएगा और ये पोर्शन आगे जाएगा, समझ रहे हो बात, इस तरीके से क्या करेगी, ये स्टार्ट करेगी मूव करना, समझ आई बात आपको। अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं, अगर ये लैडर होती मेरी तो ये कुछ ऐसे होता, समझ आई बात आपको, ये चीज़ ऐसे ऐसे मूव करना क्या करती, स्टार्ट करती, तो अल्टीमेटली ये जो एंड है वो आगे की तरफ जाना चाहेगा, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ये बात समझनी है आपको इसमें। और यहाँ पर रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, लेट दिस विल बी आर वन, वेट सेंटर से लगेगा, लेट दिस विल बी डब्ल्यू। क्लियर है बात आपको। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया, बॉडी का दो रिएक्शन, एक वेट और एक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है बात। अगर ये बॉडी स्लिप ना कर रही है तो मतलब ये आपका किस में है, रेस्ट पर है, और रेस्ट पर है तो जितने फोर्स लेफ्ट हैंड में लग रहे होंगे उतने ही फोर्स राइट हैंड में, जितने ऊपर से लग रहे होंगे उतने ही नीचे से लग रहे होंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि W मस्ट बी इक्वल टू आर वन, W मस्ट बी इक्वल टू आर वन, अगर इसको क्या होना है, रेस्ट पर रहना है, एंड द फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू आर टू। क्लियर है बात आपको, एंड फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू आर टू। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, या फिर मैं कहूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा इसको मूव ना कराने के लिए, तो डेट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू आर वन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख दिया मैंने, म्यू इंटू आर वन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एट दिस एंड। क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर हुई। अब आर वन को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, डब्ल्यू भी पुट कर सकता हूँ, म्यू इंटू डब्ल्यू विल बी इक्वल टू आर टू, ठीक है। ना मेरे को W पता है, ना मेरे को R2 पता, और मेरे को म्यू निकालने का है, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए नया है, उसको याद रखना। अगर आपको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन तो परेशान मत होना, यूनिट नंबर 5 का कॉन्सेप्ट है जो अभी यूज़ कर। आपको वैसे मैंने टॉर्क बता रखा क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये एक क्या है, वैक्टर प्रोडक्ट है। वैक्टर प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ, आर क्रॉस एफ, अगर ये आर है और ये एफ है तो आर क्रॉस एफ ऐसे होता था, आउटवर्ड आएगा ये टॉर्क। क्लियर है कि नहीं बात आपको। ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर है, आर एफ साइन थीटा के बराबर है, परंतु उसकी डायरेक्शन इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क ऐसे है और उसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। और एंगल कैसे नापते हैं ये देख लो पहले, एंगल जो इनके बीच नापते हैं ये मैंने बता रखा है, क्या तो दोनों वैक्टर को टेल टू टेल जोड़ो या दोनों को हेड टू हेड जोड़ो। क्लियर है बात आपको, चलिए। अब क्या हुआ, अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो ये रोटेट भी नहीं कर रही होगी, नेट फोर्स तो जीरो होंगे और ये रोटेट भी नहीं कर रही होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर बॉडी रेस्ट पर होती है, इफ
बॉडी इज एट रेस्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी एक पॉइंट चूज करो, चूज ए पॉइंट ऑन द सिस्टम, चूज ए पॉइंट ऑन सिस्टम सच डैट समीशन ऑफ टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट इक्वल टू जीरो। अरे भाई कब जब रोटेट ही नहीं करे तो टॉर्क कितना लग रहा होगा, जीरो। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसके अबाउट टॉर्क को क्या कर दो आप, जीरो कर दो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रही है तो वो इसके अबाउट भी नहीं घूमेगी, इसके अबाउट किसी भी पॉइंट के अबाउट वो घूमने वाली नहीं है, ठीक है कि नहीं बात। तो कोई भी एक पॉइंट लो और उसके अबाउट सिस्टम का नेट टॉर्क निकालो और उसको क्या कर दो, जीरो पुट कर दो, ठीक है। अब ये पॉइंट को चूज कैसे किया जाए, इसको वाइजली चूज करना है, इसको समझदारी के साथ चूज करना है, सच डैट मैक्सिमम फोर्स वहीं से गुजरते हो। लेट मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया, अब इसको चूज करने का फायदा क्या है, देखो ये पॉइंट यहीं से गुजर रहा है, ये फोर्स यहीं से गुजर रहे हैं, तो इस फोर्स की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई, जीरो हुई, आर तो हुई ही नहीं, क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो इनकी वजह से टॉर्क कितना हो गया, जीरो। अब सोचो यार भाई, अगर एक बात आप सोचो, देखो ये फिक्स पॉइंट है, टॉर्क ऐसे अब फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसकी वजह से टॉर्क आएगा, लेकिन अगर ये फोर्स यहीं, देखो ये घूम भी रही है चौक, आप देख सकते हो ये पॉइंट फिक्स है और ये फोर्स लग रहा है, तो ये देखो टॉर्क इस चौक को घुमाने का प्रयास कर रहा है फोर्स, लेकिन यही फोर्स अगर यहाँ से गुजरेगा तो ये कुछ भी घूमेगी नहीं। तो आप वो पॉइंट लो जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स पास करते हो और उनकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है बात आपको। अच्छा ए बी भी आपको दे रखी होगी, ए बी आपको दे रखी है 5, ये 5 है और ये कितनी है, ओ ए कितनी है 4 है और ये 3 है, क्लियर है बात आपको, है ना। अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप एक बात बताओ, देखो अब आपको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है, तो एक तो ये फोर्स दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक ये फोर्स दिख रहा है, क्योंकि इनकी वजह से तो टॉर्क कितना हो गया है, जीरो। अब आप सोचो ये फोर्स अगर मैं इसको आगे एक्सपेंड करूँ, आगे एक्सटेंड करूँ, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस वेट, यस और नो, और ये होगी इस पॉइंट से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ के ना, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस, यस और नो, एंड दिस विल बी द फोर्स। तो आर क्रॉस एफ करेंगे, अब हम आर क्रॉस एफ करेंगे, लेकिन आपको इसको, इस आर को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप एंगल कैसे लेते थे, टेल टू टेल, ठीक है। आर लूंगा मैं यही, मैग्नीट्यूड वाइज यही लूंगा, लेकिन डायरेक्शन देखने के लिए मैंने इसको क्या कर लिया, आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया, क्लियर है बात आपको। अब ये चीज़ कैसे निकालें सर, आपको पता है कि वेट हमेशा किस में लगता है, मिड में लगता है, हाँ के ना, वेट किस में लगता है, मिड में लगता है। और ध्यान से देखो आप, इस ट्रायंगल से मैं ये एंगल भी निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ यार, ठीक है। अब आप इसमें लगाओ क्या, साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 4 बाय 5, ये कौन सा एंगल हो गया, साइन का कौन सा एंगल है ये, साइन आपको कोस 53 कितना होता है, 3/5 होता है ना, तो ये आपका 53 वाला एंगल है, समझ आई बात आपको, ये कौन सा एंगल है, 53 है ये एंगल, साइन 53 कितना होता है, 4/5 होता है, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो बेटा ये लेंथ कितनी है, 5/2 है, आधी लेंथ होगी, वेट मिड पर लाई करेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये चीज़ इसका कोस कंपोनेंट हो जाएगा, समझ आई बात आपको, 5/2 कोस 53, क्लियर है बात। तो 5/2 और कोस 53 अभी आपने देखा था कितना था, 4/5 था, तो ये आ गया कितना, 2 आ गया, क्लियर है बात आपको, ये 2 पर लग रहा है, ये जो लेंथ है वो 2 पर है। तो टॉर्क जब मैं निकालूंगा, टॉर्क एट पॉइंट बी निकालूंगा, तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, दिस W इंटू दिस लेंथ डेट विल बी इक्वल टू 2, समझ आई बात आपको, W इंटू 2। अब R क्रॉस F, R क्रॉस F, क्लियर है बात आपको, डायरेक्शन कैसे है, बाहर की तरफ है, R क्रॉस F, इसको एक्सटेंड क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए, क्योंकि आपका टेल टू टेल मिले होनी चाहिए, डिस्टेंस यही लूंगा मैं, मैग्नीट्यूड वाइज यही लूंगा, तो W इंटू 2, और ये कैसे आया आपका, आउटवर्ड आया, या फिर मैं कह सकता हूँ कैसे आया, एंटी क्लॉक आया, हाँ के ना, देखो उंगलियाँ कैसे घूम रही हैं, एंटी क्लॉक आया, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। चलिए अभी ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स रह गया, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, और इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही,
क्लियर है बात आपको। और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे डायरेक्शन देखने के लिए, ये चीज़ तो मेरे को पता है कितनी है, चार है, ठीक है। तो आपका R इंटू चार टॉर्क हो जाएगा अबाउट द बी, और उसकी डायरेक्शन देखो R क्रॉस F, R क्रॉस F अंगूठा अंदर की तरफ गया और मैं कहूँ क्या आया आपका क्लॉकवाइज आया, तो टॉर्क अबाउट बी। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो क्लॉकवाइज को क्या मानूंगा, नेगेटिव R इंटू फोर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बेटा, जीरो। क्लियर है बात आपको। तो 2W इज इक्वल टू 4R, यहाँ से मैंने किस में रिलेशन निकाल लिया, W और R में, ये कट गया तो 2 आ गया, और W इज इक्वल टू 2R। समझ आई कि नहीं यही बात आपको, W इज इक्वल टू 2R। यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ सर, अब फायदा आपको दिखेगा, R कौन से वाला है, ये R2 वाला है, ये रिएक्शन थी ना आगे ना, तो R2 लिखो, तो W को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2R2 एंड इज इक्वल टू R2, ये कैंसिल आउट हो गया और जो म्यू कितना है मेरे पास, हाफ आ गया। क्लियर है बात आपको, म्यू ही तो निकालना था आपको, एंड म्यू विल बी इक्वल टू हाफ। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही आपको, कुछ गड़बड़ है क्या, आंसर देख लेता हूँ एक बार मैं। 20 का आंसर है आपका, कहाँ है भाई आंसर, 20 का आंसर सी, गड़बड़ है भाई थोड़ी सी आंसर में, गड़बड़ है आंसर आया अपना, म्यू दे रखा उन्होंने 3/8। चलिए दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहाँ गड़बड़ हुई। मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था और W को बैलेंस किया था किसके साथ, R1 के साथ, और R2 को बैलेंस किया था किसके साथ, आपका म्यू इंटू R1 के साथ। क्लियर है कि नहीं बात आपको। और फिर मैंने R1 को किसके बराबर रख लिया, W के बराबर रख लिया। फिर कॉन्सेप्ट क्या लगाया बेटा मैंने, कि आपका टॉर्क इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट, ठीक है, ये 5 दे रखी है, ये OA कितनी दे रखी है, 4, और ये कितनी दे रखी है, 3, ठीक है। साइन 53 और कोस 53, कोस 53 देखो मेरे को याद रहता है ये 3/5 होता है, तो ये उल्टा होगा 4/5, और साइन का मतलब क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, OA 4 दे रखा है ना अपने को, और ये 4 दे रखा है और ये 5 है, तो ये एंगल तो ठीक लिया है मैंने 53, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने इसके अबाउट टॉर्क निकाला है, इसके अबाउट ये दोनों फोर्स तो यहीं से पास हो रहे हैं, तो इनका तो गेम ओवर। अभी इस W का गेम देखना है, ये कितनी हो गई है, आधी हो गई, ये 5 है तो वेट आधे पर लगेगा, तो 5/2, और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, कोस 53, कोस 53 3/5 होता है, यहाँ गड़बड़ हो गई लगता है मेरे को, 5/2 × 3/5, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई बेटा, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गई, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2, समझ आएगी नहीं यही बात। मैंने गलती से यहाँ पर क्या लिख लिया होगा, पक्का 4/5 लिख लिया होगा, ये कोस कंपोनेंट है, और कोस कंपोनेंट कितना होता है, 3/5, 5 से 5 कट गया तो 3/2। क्लियर है बात आपको। और जो रिएक्शन फोर्स है वो तो आपकी 4 दूरी पर ही है। अब इस चीज़ को फिर से समझा देता हूँ, देखो इस पॉइंट से ये चीज़ समझो आप, इस टॉर्क को दोबारा समझा रहा हूँ, ये W ऐसे और ये R2 ऐसे, आपको करना क्या है, R2 को एक्सटेंड कर लो उस पॉइंट के सामने लिया, और फिर वहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो आप, तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है पहले तो, और फिर डायरेक्शन का लोचा मैं आपको समझा दूंगा। तो ये तो 4 रही और ये R2 रहा, अब डायरेक्शन का लोचा लो कि आपको R क्रॉस F करना है, तो R से F की तरफ मुड़ना है, R का जो लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो R क्रॉस F ये क्या हो गई, देखो जरा ध्यान से, ये हो गई आपकी क्लॉकवाइज, 4 × R, और वो क्या हो गई, क्लॉकवाइज। अब इसका देखो बेटा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है बात आपको। तो ये चीज़ अपनी कितनी निकल कर आई है, देखो आप 3/2 निकल कर आई है, होगी भी यार वैसे बेवकूफ़ी वाली बात कर दी, अगर ये सेंटर है तो ये भी तो सेंटर होगा आगे ना, ये 3 थी तो ये भी 3/2 होगी, और ये कितना लग रहा है आपका, W लग रहा है, तो 3/2 × W। लेकिन डायरेक्शन देखो, R को आगे की तरफ एक्सटेंड करो, क्योंकि आपको टेल से टेल मिलानी है, और R क्रॉस F करोगे तो आपका जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूँ तो क्लॉकवाइज क्या होगी, नेगेटिव, और नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा सा दोबारा देखना पड़ेगा, 3/2 × W इज इक्वल टू R4R, इसको ऊपर लेके जाओ तो 3W इज इक्वल टू 8R, ठीक है, और W विल बी इक्वल टू 8/3R। क्लियर है बात आपको। और यहाँ पर फिर से पुट करेंगे म्यू, और W कितना आया बेटा, 8/3R2 और इज इक्वल टू R2, R2 से R2 मर गया तो म्यू कितना आया, 3/8, मिल गया कि नहीं मिल गया आंसर, देखो। क्लियर है बात।
तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 से पहले मैं एक बार डिस्कस करूँगा 30 को, पहले आसान है 30 बिल्कुल, ठीक है, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे 23 को। 23 में आपको क्या मिस्टेक की होगी मैंने, मेरे को पता है, उसको देखेंगे। देखो दो पार्टिकल हैं, 30 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, दो पार्टिकल हैं स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है, दो पार्टिकल है यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड स्लाइड डाउन अलोंग द स्ट्रेट स्मूथ वायर इंक्लाइंड एट 30 एंड 60। देखो भाई दो वायर यहाँ से निकल रही है, लेट दिस एंड दिस, ठीक है कि नहीं बात आपको, ठीक है, और ये वर्टिकल प्लेन है आपका, समझ आई बात आपको, ऐसे वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, और पहली वायर 30 डिग्री एंगल बना रही है और दूसरी वायर कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है, क्लियर है बात। आपको बताना है कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ द सेकंड, रिलेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन, ये बताना है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट किया हुआ हमने हाँ के ना, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए टू माइनस ए वन, यही तो होता है, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन देखना है, ठीक है। अब आप देखो जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो वेट नीचे लगेगा और ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा, वेट एम जी, और इसके अलोंग कंपोनेंट अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, एम जी कोस 30, ठीक है कि नहीं बात आपको, और यही कंपोनेंट यही फोर्स इसको इस तरफ मूव करवा रहा है। इसी तरीके से ये वाला भी एम जी होगा और ये कंपोनेंट कितना होगा, ध्यान से देखो, एम जी कितना कोस 60, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पार्टिकल पर एम जी कोस 60 है और इस पर कितना है आपका, एम जी कोस 30। अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, फोर्स ये रहा, मास से डिवाइड करो तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया, जी कोस 60, कोस 60 कितना होता है बेटा, रूट 3/2। तो इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना आया आपका, जी रूट 3/2, लेट दिस विल बी द पार्टिकल 2 एंड दिस विल बी द पार्टिकल 1, ठीक है। और इसी तरीके से इसका एक्सेलरेशन देखूं तो वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स बाय मास, एम से एम कट जाएगा तो जी कोस 30 और कोस 30 होता है हाफ तो जी बाय 2। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी रूट 3/2 और इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी बाय 2, परंतु इनके बीच में एक एंगल भी है, कितना एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। ये क्या है आपका, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला याद करें आप, ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर माइनस 2a1 a2 कोस थीटा, ठीक है। तो a1 आपका कितना है, g बाय 2 है और ये कितना आपका रूट 3/2 इंटू जी और एंगल कितना है, 30 है। इसको सोल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और है, उसको डिस्कस करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। और होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे को बताइए, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा, वरना वीडियो क्लासेस में तो बिल्कुल आपको परखा नहीं जा सकता कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप, एक क्वेश्चन में आपके मैं लगता हूँ कि दिक्कत, मैं मान सकता हूँ एक क्वेश्चन में रहेगी, इसमें 20 में, क्योंकि आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है। जितने आप इसको प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन मैं कल और करवा दूंगा, उसमें आप घबराइए मत। क्वेश्चन नंबर 23 देखो आप, एक हैवी बॉडी है जिसका मास 25 kg है और उसको ड्रैग किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, 25 kg की है और म्यू कितना दे रखा है, 1/√3, ठीक है कि नहीं बात आपको। लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज, कम से कम फोर्स कितना होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर उसको ड्रैग किया जाता है। देखो उसने ये नहीं बोला कि मैंने ऐसे ड्रैग किया है, हो सकता उसने ऐसे ड्रैग किया हो, क्लियर है कि नहीं बात आपको। आपको किस तरीके से ड्रैग करें ताकि आपका फोर्स क्या लगे, मिनिमम लगे, ये आपको निकालना है, क्लियर है बात आपको। तो लेट मैं मान लेता हूँ जनरली मैंने अल्फा एंगल पर इसको क्या किया है, ड्रैग किया है, ठीक है, ये लेट थीटा मान लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये तो क्वेश्चन अभी भी आपने पीछे देखा है, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कोस थीटा, ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आएगी आर, नीचे की तरफ लगेगा वेट और पीछे की तरफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मिनिमम निकालना है ना, और इस क्वेश्चन को समझो, उसने ये नहीं बोला कि स्ट्रेट ड्रैग किया, किसी भी तरीके से ड्रैग कर सकता है, लेकिन आपको किस तरीके से ड्रैग करें कि आपको ये फोर्स क्या लगे, मिनिमम लगे।
ये मिनिमम लगेगा तो यहाँ पर एक तरीके से मान सकता हूँ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, हाँ के ना, फ्रिक्शन तो अपोजिशन मैक्सिमम तक करेगा बेटा, क्लियर है बात आपको। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं एफ कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ मैक्सिमम, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी आर प्लस एफ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी, ठीक है कि नहीं बात। आर यहाँ से कितना निकल जाएगा एम जी माइनस एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा, ठीक है आर निकल गया। अभी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को क्या पुट कर सकता हूँ मैं, म्यू इंटू आर, ठीक है, और आर की वैल्यू ये निकाल ली मैंने, तो एफ कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है कि नहीं बात आपको, एफ कोस थीटा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, माइनस वाली टर्म को इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, एफ को कॉमन ले लेता हूँ मैं, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, एंड एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, और इस टर्म को नीचे ले आऊँगा मैं, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, क्लियर है बात। इसके मिनिमम होने के लिए, इस क्वांटिटी के मिनिमम होने के लिए इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, ये बात आपको पता है ना, अगर जितना ये मैक्सिमम होगी उतना ही ये क्या होगा, मिनिमम होगा। अब आ जाइए, आपको बताया हुआ है मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, किसी भी चीज़ के मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हम उसका डेरिवेटिव करते हैं और उसको किसके बराबर पुट कर देते हैं, जीरो। तो मैं डी बाई डी थीटा करूँगा, किसका, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का, और उसको किसके बराबर पुट कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा। कोस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन होगा, है ना, और साइन का कितना होगा, कोस थीटा होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो म्यू कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा, और म्यू कितना निकला आया बेटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, डेट विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और म्यू तो आपको पता है किसके बराबर होता है, किसके बराबर है, वन बाय रूट थ्री के, वन बाय रूट थ्री के। तो टेंजेंट की किस वैल्यू पर आपका वन बाय रूट थ्री होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री पर आई, ठीक है। अब थीटा को यहाँ 30 पुट करोगे आप, और एम और म्यू की वैल्यू पुट करोगे, नाउ यू विल फाइंड आउट दी मिनिमम फोर्स, क्लियर है। तो क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया था कि उसको हॉरिजॉन्टली क्या किया गया है, ड्रैग किया गया है, तो दिक्कत ये आई होगी, आपने इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग किया होगा और ये बोला होगा कि एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, बस बात खत्म, क्लियर है बात। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालें, म्यू इंटू आर करके, और आर किसके बराबर होगा इस केस में, एम जी के बराबर, ठीक है। तो वहाँ से आपके साथ ये डाउट्स आए होंगे, क्लियर है बात आपको। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ आई होगी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप भेज दीजिए, हम उसको भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे, क्लियर है बात आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, ठीक है बेटा।